हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कढ़ाई वाला सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेस को लिया है, इसको हम बाजू में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्लेन कपड़ा है, इसमें से हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर जो कढ़ाई है, ये कढ़ाई हमारी बाजू पे आएगी और उस साइड से हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा आगे वाला पल्ला है, देखिए कितना सुंदर सा कड़ा हुआ है गले पर। और नीचे की तरफ देखिए लेस है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेंगे। जो हमारी गले की कढ़ाई है उसको एक बराबर करके ही हमें फोल्ड कर लेना है, देखिए इस तरह से। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करी है, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर देखिए हमारी गले की कढ़ाई यहीं तक है। और हमारी जो गले की लंबाई है वो हम रखेंगे 6 इंच, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें गले की लंबाई 6.5 इंच रखनी है। और यहाँ पर हम हाफ कॉलर सूट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम गले की चौड़ाई लेंगे 7 इंच, तो उसको आधा करना है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आर्महोल की लंबाई नापेंगे। आर्महोल की लंबाई हमारी 6 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से आरमोल की गुलाई करना है 1 इंच की। देखिए हमने यहाँ पर 1 इंच की आरमोल की गुलाई करी है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई है 17 इंच, तो यहाँ पर हम 17 इंच को आधा करेंगे। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर दूसरा निशान लगाएंगे कमर के लिए 6.5 इंच पर। और एक तीसरा निशान लगाना है हमें 13 इंच पर हिप के लिए। तो यहाँ पर 3 निशान लगाना ज़रूरी है। अब हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है, तो यहाँ पर इसको आधा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। फिर हम हिप की चौड़ाई नापेंगे। हिप की चौड़ाई भी हम 17 इंच लेंगे। तो यहाँ पर 17 इंच को आधा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। और साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूट की लंबाई नापेंगे। वैसे तो सूट की लंबाई पहले से ही नाप लेनी चाहिए, मगर हम यहाँ पर भूल गए थे। यहाँ पर हमारी सूट की लंबाई 33.5 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर शोल्डर सिलने के लिए। तो यहाँ पर 34 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो हमारी नीचे की लेस है इसको हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस को निकाल लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था सूट की तैयार लंबाई का, तो वहाँ पर इस तरह से इसको रख लेना है। और रखने के बाद यहाँ पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो अब हम इस लेस को हटा देंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेंगे लेस को सिलने के लिए। तो जो हमने नीचे की लंबाई नापी थी तो उसकी हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर जो घेर की चौड़ाई है उसको भी हम 17 इंच लेंगे। तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से दोनों निशान को मिला देना है। और साइड में भी हम मार्जिन लेंगे, 2 या 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सूट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नीचे जो निशान लगाया है वहाँ से हमने कटिंग इसलिए नहीं किया, क्योंकि जो हमारी लेस है इसको हम लगाएंगे
यहाँ पर हमें कट लगा देना है, यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग रहेगी, तो ये कट ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर करेंगे और बिल्कुल बीच सेंटर पर एक कट लगा देंगे। तो देखिए मैंने कट लगा दिया है और हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई है तो वो हमारी बाजू पर आएगी, तो जो हमारा प्लेन कपड़ा है तो इसको अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेना है इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल बराबर से रख लेना है। और जो कपड़े की बंद साइड है तो उसको हमने अपनी तरफ रखा है। और यहाँ पर मैंने आर्मोल की गोलाई आगे वाले पल्ले की 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले की हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं। साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। फिर हम यहाँ पर लेस को रखेंगे और यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था उसके ऊपर हम इस लेस को इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच का मार्जिन लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है, पीछे वाले पल्ले पर हमें 2.5 इंच का मार्जिन लेना है नीचे से फोल्ड करने के लिए, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में हमारी लेस नहीं लगेगी। फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया था तो वहाँ पर हमें कट लगा देना है, क्योंकि इतना हमें फोल्ड करना है तो यहाँ पर कट ज़रूर लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में और बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी दोनों तरफ से कढ़ाई है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, जो हमारी कढ़ाई है उसको एक बराबर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, बाजू की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 16 इंच है, जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ कपड़ा हमारा कम है तो यहाँ पर हम अलग से पट्टी लगाएंगे, तो इसको इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पर बाजू की मोरी हमारी है 10 इंच, तो उसको आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। जो हमने पट्टी रखी थी तो उसको हम नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ा लेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से बाजू की गुलाई कर देते हैं। और यहाँ पर हम जो बाजू की चौड़ाई है उसको हम रखेंगे 8 इंच, तो 8 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। फिर हम यहाँ पर दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पर भी इस तरह से निशान को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। और इस तरह से बी सेंटर पर एक कट लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने एक बाजू की कटिंग कर ली है,
तो यहाँ पर हम इसको सिल लेंगे जो हमने अलग से पट्टी कटिंग करी थी। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े को इस तरह से रखेंगे, इसको एक बराबर फोल्ड करके बिछा लेना है। जो हमारी कढ़ाई है उसको एक बराबर रखेंगे। और इसके ऊपर हम यहाँ पर ये दूसरी वाली बाजू को रख लेते हैं। यहाँ पर भी हम अलग से पट्टी यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे कपड़े की चौड़ाई एक तरफ से कम है तो यहाँ पर इस पट्टी को रख लेना है। और रखने के बाद सेम इसी तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग कर ली है, इसको इस तरह से खोलेंगे। एक बराबर इसको बिछा लेंगे, पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रख के। और यहाँ पर आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। तो यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो हमने कट लगा दिया है और इस तरह से हमने दोनों बाजू की कटिंग कर ली है। और यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है, और इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। और जो हमारी लेस है इसको हम आगे वाले पल्ले पर लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करना सिखाया है, और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।